जबलपुर में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 17, 18 और 19 अक्टूबर को कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। पहले चरण में मंडल फिर बूथ विजय प्रतिज्ञा लेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी का कार्यकर्ता प्रतिज्ञा लेगा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में जनहित कार्य करेंगे। प्रहलाद पटेल ने कहा कि बीजेपी का संकल्प सबका साथ सबका विकास है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति करती है। कांग्रेस की पहली सूची में परिवारवाद साफ तौर पर छलकता है। बड़ी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने शक्ति स्वरूपा नवरात्रि के अवसर पर संकल्प लिया है कि हम त्रिदेव के शक्ति सम्मेलन 17, 18 और 19 तारीख को करेंगे और ये सम्मेलन प्रतिज्ञा का स्वरूप लेंगे। पहले चरण में हम मंडल स्तर से कार्य प्रारंभ करेंगे और उसके बाद बूथ स्तर पर बूथ विजय प्रतिज्ञा का कार्यक्रम हम संपन्न करेंगे।